ओम शांति। शेर का एक बच्चा देखता है कि एक हिरन के बच्चे को उसकी माँ दौड़ना सिखला रही है। तब वो अपनी माँ से पूछता है कि आप मुझे क्यों नहीं सिखाते इस तरह दौड़ना। वो शेरनी कहती है, दौड़ना तुम्हारे रक्त में है, तुम आपे ही सीख जाओगे। वो शेर का बच्चा बड़ा होता है और एक दिन शिकार के लिए उसी हिरन के बच्चे के पीछे दौड़ रहा है। दौड़ तेज है दोनों की भी, शेर तेजी से दौड़ रहा है और वो हिरन भी तेजी से दौड़ रहा है, पर धीरे धीरे उनके बीच का फासला बढ़ता जाता है और वो हिरन बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए निकल जाता है, बच जाता है। वो शेर रुकता है, एक पंछी बैठा है, वो हंस रहा है। उस पंछी से ये शेर पूछता है कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मेरे दौड़ने की गति इतनी ज़्यादा है, फिर भी मैं उस हिरन के बच्चे को क्यों पकड़ नहीं सका, वो हिरन को क्यों नहीं पकड़ सका। तो पंछी कहता है, इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि माना तुम शक्तिशाली हो, रॉयल ब्लड है तुम्हारा, पर तुम्हारी प्रैक्टिस कम है। और उससे भी महत्वपूर्ण कारण, वो हिरन जो भाग रहा है और तुम जो भाग रहे हो, उसके कारण में अंतर है। तुम भाग रहे हो शिकार के लिए, तुम भाग रहे हो भोजन के लिए, और वो भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए, अपने जीवन के लिए। इसलिए इन दैट अटर डेस्परेशन ही इज रनिंग। उसके पास भागने का लक्ष्य क्या है? अपने जीवन को बचाना। उसके पास ऐसी अद्भुत शक्ति कहाँ से प्रकट हो गई? क्योंकि उसे अपने जीवन को बचाना है, इसलिए। वो दृढ़ता कहाँ से आ गई? क्योंकि उसके लिए इमरजेंसी है, उसके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। एक युवक दो दिन पहले हमारी ओपीडी में आया था, तो उसके पैरों में दर्द हो रहा था। हमने कहा क्या किया, तो उसने कहा प्रैक्टिस चालू है। किसकी? मैराथन की, 18 तारीख को आदि प्रकाश मणि इंटरनेशनल हाफ मैराथन। क्यों दौड़ना चाहते हो? घर की परिस्थिति बहुत खराब है, अकेला जिम्मेदार है,
कॉलेज में पढ़ता है, ट्यूशन लेता है और पिताजी नहीं रहे। उसके लिए ये दौड़ना मनोरंजन नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है। आवश्यकता है, नेसेसिटी है, इमरजेंसी है। चार कोने बाबा ने बताए, संकल्प है, लक्ष्य है, उमंग है, पर किसको अपनाना है, किसको लाना है। दृढ़ता को अपनाओ, दृढ़ता को लाओ, पर यह दृढ़ता आए कैसे? ये दृढ़ता आएगी तब जब इमरजेंसी सिचुएशन होगी, ये दृढ़ता आएगी तब जीवन और मृत्यु का सवाल होगा, ये दृढ़ता आएगी तब जब इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प ही नहीं है, एकमात्र विकल्प शेष है। तो जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। संकल्प सब करते हैं, ऊंचा लक्ष्य सब रखते हैं, उमंग बहुत है, परंतु दृढ़ता कम है, दृढ़ता में ढीले हैं। क्यों? क्योंकि एकमात्र वही विकल्प नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी नहीं है, अटर होपलेस सिचुएशन नहीं है, आराम है। शेर पीछे भागना चाहिए तब आएगी दृढ़ता। अभी इसके अलावा और कोई सहारा ही नहीं है, बाकी सभी सहारे छूट गए, खत्म हो गए। यही एकमात्र विकल्प है, यही एकमात्र सहारा है, यही एकमात्र मार्ग है, और कोई मार्ग नहीं रहा। तब दृढ़ता आएगी, अन्यथा नहीं। और पहला कारण क्या था शेर के हारने का? ओवर कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस की कमी, अभ्यास। अभ्यास योग है ये, सतत अभ्यास, निरंतर अभ्यास। कोई ये नहीं कह सकता कि हम माया जीत हो गए, क्योंकि जिस दिन कहेगा उसी दिन माया आएगी। यह अभिमान का मार्ग नहीं है, यहाँ तो प्रतिपल लड़ाई है, प्रतिपल सजगता चाहिए। जिस दिन, जिस समय, जिस सेकंड संकल्प में दृढ़ता कम हुई, माया का वार होगा। मुरली में बाबा ने कहा है, माया के रॉयल रूप, माया के नए नए रूप। जैसे किसी को युद्ध करना होता है तो फिर वो अपने सभी अस्त्र शस्त्र को यूज़ करता है, वैसे माया भी सभी अस्त्र शस्त्र को यूज़ करेगी। ये बातें, ये समस्या, ये परिस्थिति माया ही तो है। ड्रामा छोटे छोटे डैश दिखाएगा क्या? ड्रामा छोटे छोटे डैश दिखाएगा क्या? खेल। इसलिए डैश की मात्रा कौन सी मात्रा? आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगती है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, ये कैसा? इसको कहा जाता है माया की डैश करना, वरदान, खातरी करना। साइलेंस के साधन से माया को पहले ही परख लो।
ताकि टाइम वेस्ट ना हो। दृढ़ता को लाना, द फोर्थ कॉर्नर को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो उसकी एक विधि क्या है? इमरजेंसी क्रिएट करना। और कई बार हम नहीं करते हैं, परिस्थितियां ही क्रिएट कर देती हमारे लिए, और उस समय धन्यवाद देना है, कंप्लेंट नहीं। तो इस पर फिर से आएंगे। मुरली की शुरुआत, बाबा किसको देख रहे हैं? इस छोटे से परिवार को, संसार को, जहाँ पर हर आत्मा कैसी है विशेष, जहाँ पर हर आत्मा के पास क्या है दिव्य नेत्र और दिव्य बुद्धि, जहाँ पर हर एक के पास क्या है पहचानने का नेत्र और पहचानने की बुद्धि। ये संसार कैसा है? न्यारा है और प्यारा है। न्यारा संसार, प्यारा संसार, छोटा संसार, हर आत्मा विशेष ऐसा संसार, और हर एक के पास दिव्य बुद्धि ऐसा संसार। जिस दृष्टि से बाबा इस परिवार को देखते हैं, क्या हम भी देखते हैं? भगवान की नज़र कैसी है? बेहद। सबको देख रहे हैं दृष्टि से और संकल्प से, बाप के सामने हैं। जो यहाँ है नहीं उन्हें भी देख रहे हैं। यहाँ पर हर आत्मा विशेष है, श्रेष्ठ है। 5% एंड 95% का हिसाब बताया है इस मुरली में। टीचर्स से मुलाकात, क्या क्या किसी ने 5% ही अच्छा किया है और 95% गड़बड़ की है, तो उसको क्या कहोगे? तुमने अच्छा नहीं किया। बाबा क्या कहते हैं? हम बाबा ने तुमको कैसे ट्रेन किया? तुम विकारी हो, तुम गंदे हो, ऐसा कहा या सम्मान दिया? क्या किया? हर आत्मा को क्या चाहिए? सच्चा प्यार, और दूसरी बात हिम्मत। जो परवश है उसमें हिम्मत नहीं होती, और तुम्हें ऐसा उसको ऐसा कहकर कि तुमने अच्छा नहीं किया उसको नर्वस कर देते हो। परवश, नर्वस, हिम्मत, प्रेम, तो ये वो परिवार है। इसलिए उसने जैसे हम पर दया की, हम उन पर दया करना सीखे। No flock that ranged this valley to slaughter I condemned. Taught by the power that pities me, I learned to pity them. लेखक ने लिखा है, कवि ने, No flock that ranged this valley, इस घाटी में, इस पर्वतों में जो ये भेड़ बकरियाँ चल रही है, उनको मार कर खाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु इनको मैं काट सकता हूँ। टू स्लॉटर आई कंडेम्ड, बट टॉट बाय द पावर दैट पिटीज मी, क्योंकि मेरे भी ऊपर एक शक्ति है जो मुझ पर रहम करती है, वही शक्ति मुझे ये सिखाती है कि मुझे उन पर दया करनी है। टॉट बाय द पावर दैट पिटीज मी, आई लर्न टू पिटी देम। जैसे बाप ने तुम पर रहम किया है, दया की है, वैसे तुम भी क्या करो? उन पर रहम करो। जैसे बाप ने तुमको हिम्मत दिलाई है, तुम भी उन्हें हिम्मत दिलाओ। बजाय ये कहने के कि तुमने अच्छा नहीं किया, करेक्शन कैसे दे किसको? इसके लिए भी कई सारी मुरलियां हैं। जमीन है, पहले उमंग उत्साह का हल चलाओ, फिर सोमान के बीज डालो,
वो जमीन उनका मन है, उनकी प्रशंसा करो, उसके बाद फिर करेक्शन दो। हाउ टू गिव करेक्शंस, किसी से गलती होती है तो करेक्शन कैसे दे, ये भी बाबा ने सिखाया है। तो किस परिवार को देख रहे हैं, जो छोटा है, जो न्यारा है, जो प्यारा है, जिसमें हर आत्मा कैसी है, विशेष है, हर एक के पास क्या है, भगवान को पहचानने का नेत्र और बुद्धि, चाहे किसमें कितने ही अवगुण को क्यों ना हो इस परिवार में, पर उसमें कुछ विशेषताएं ज़रूर है। पहली तो भगवान को पहचाना, दूसरा पवित्रता को अपनाया, और तीसरी किसी न किसी रूप से स्वयं के जीवन को स्थूल में या सूक्ष्म में परमात्मा यज्ञ में समर्पित किया। ये तीन विशेषताएं तो सभी में हैं, चाहे कितने ही अवगुण क्यों ना हो। तो यहाँ से मुरली की शुरुआत है। नाउ रेफरेंस टू लास्ट संडे मुरली, 15 दिन हो चुके हैं और बाबा ने दिखा बताया 5.5 महीना बाकी है। 6 मास का होमवर्क था लास्ट संडे, कौन सा परिस्थितियाँ आए, बड़े पेपर्स आए, समस्या आए, परंतु अप्रभावित कैसे रहना है, अप्रभावित, ये है होमवर्क जो लास्ट संडे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 for 1, 2 for 2, 3 for 3, 4 for 4, 5 for 5, or 6 for 6, 6 ये था। बाबा ने कहा तुमको आत्माओं की पुकार सुनाई नहीं देती, कौन सी पुकार है, हे शांतिदेव, सुखदेव, और तीसरा एक नया देव है इसमें आज, हे खुशी देवा, तुम हो। जब आत्माओं की पुकार सुनोगे, कब सुनोगे, जब बाप समान बनोगे, और तब प्रत्यक्षता होगी। तीन उदाहरण है यहां पर। पहला एक अंधे का, दूसरा चित्र का, और तीसरा फोटोकॉपी का। पहला एक अंधा व्यक्ति कैसा चलता है, लकड़ी लेकर फॉलो करता है, तुम हो त्रिकालदर्शी, तुम हो मास्टर सर्वशक्तिवान, तुम हो त्रिनेत्री, तुम फॉलो नहीं कर सकते, फॉलो ही तो करना है। वो अपनी लकड़ी को फॉलो करता है। दूसरा उदाहरण, बाबा ने चक्कर लगाए सेंटर्स के, क्या देखा, ढेर सारे चित्र है, और अभी तो और बढ़ गए, इतने चित्र है कि बात मत पूछो। खाली चित्र को ही देखते रहते हो या चरित्र को याद करते हो, चित्र चरित्र चित्र चरित्र, चित्र लगाओ और भी बड़े लगाओ, बट चित्र को देखकर गुणों को याद करना है, चित्र को याद नहीं करना है। चित्र योग नहीं है ये, चरित्र योग है। चित्र तो स्थूल है, योग का चित्र से क्या संबंध, ट्रांसलाइट से क्या संबंध, गीतों से क्या संबंध, और रेड लाइट से क्या संबंध, और किसी स्थान से क्या संबंध, और किसी संगठन से भी क्या संबंध। ये केवल आधार है, सपोर्ट्स है, अभ्यास निराधार का करना है। 74 की अव्यक्तवाणी, अभ्यास निराधार का करना है, कोई आधार नहीं, सारे आधार टूट जाए, केवल मैं बचा हूँ और वो बचा है, ना कोई चित्र सामने, ना कोई ट्रांसलाइट सामने, ना कोई बिंदु, ना कोई ज्योति, ना कोई राइट, ना कोई गीत, कुछ नहीं। निराधार योग है ये। एकला चालों का योग है ये। तो
एक उदाहरण अंधे का, दूसरा उदाहरण चित्र का, और तीसरा उदाहरण एक मशीन का, फोटोकॉपी मशीन। तुम्हें केवल कॉपी करना है। अर्थात क्या करना है इस परिस्थिति में, यदि अपने को हटाओ, कैरेक्टर रिप्लेसमेंट मेथड CRM, मेरी जगह इसी परिस्थिति में यदि ब्रह्मा होता तो उसने क्या किया होता। कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, कोई अपमान या इंसल्ट, निंदा, गाली, घृणा, कोई गिराए, हिलाए, चोट लगाए, दुख दे, कुछ भी करे, तुम अपनी शुभ भाव से नहीं हटो, शुभ भावना से नहीं हटो। दृढ़ता किस में? सुनना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, स्वयं को मोड़ना पड़ेगा और मरना पड़ेगा। ये पांच झुक जाना, सह लेना, सुन लेना, कानों को स्तुति सुनने की आदत ज्यादा है इसलिए निंदा के शब्द उसे पीड़ित करते हैं, मोड़ लेना और मरना। इसमें दृढ़ता, कितनी बड़ी बात है, क्योंकि आत्मा जैसे जैसे ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ती है, सूक्ष्म अहंकार उसे पकड़ता है। तीव्र पुरुषार्थ का अहंकार, अमृत वेले का अहंकार, भोजन का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, चिंतन का अहंकार, भाषण का अहंकार, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का अहंकार, हैंडलिंग पावर का अहंकार, सीनियोरिटी का अहंकार, पद का, पोजीशन का, पैसों का, सेवाओं का, सेवाओं के विस्तार का अहंकार। इसलिए ये सब आना बहुत जरूरी है। क्या? निंदा, निंदा होगी, घृणा करेंगे लोग, तुम सबसे प्यार करते हो फिर भी कुछ ऐसे तो होंगे जो बिना कारण ही घृणा करें, कुछ ऐसे होंगे जो गालियां देंगे, हिलाएंगे, दुख देंगे, चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ आत्माएं इन सभी संस्कारों के साथ ही जन्म लिया है, पूर्व जन्म के संस्कार है। बुद्ध के जीवन में दिखाया है, त्राटक कथाओं में हजारों कथाएं दिखाई है उसमें, और हर कथा में दो व्यक्ति का वर्णन है, एक ये था एक वो था, फिर इन दोनों में लड़ाई हुई, एक अच्छा एक बुरा। उसमें जानवरों के उदाहरण दिए, एक ये था एक वो जानवर था, और फिर लास्ट में बुद्ध कहते हैं इस जन्म में वो मैं हूँ और वो जो दूसरा है वो देवदत्त है। बचपन से ही सिद्धार्थ देवदत्त, सिद्धार्थ देवदत्त, दोनों में क्या दिखाया है, एक सत्य के मार्ग पर है, एक असत्य के मार्ग पर है, एक चोट पहुंचा रहा है, धोखा दे रहा है, निंदा कर रहा है, ग्लानी कर रहा है, अपमान कर रहा है, लास्ट तक करता रहा वो, यहाँ तक कि बुद्ध सिद्धार्थ जब गौतम बुद्ध बन गए, उसने भी देवदत्त ने भी संन्यास ले लिया, पर किस लिए संन्यास लिया, इसको हराने के लिए। उसका ही शिष्य बना, पर किस लिए, बाद में उसी संगठन में अपना एक अलग से संगठन बनाया और यहाँ के सभी भिक्षुओं को अपने पास ले गया। एक नई पार्टी इसके विरोध में, अंत तक विरोध किया, और इसके पीछे कारण कई जन्मों के शत्रुता है उसकी,
कई कई जन्मों की। तो इस संसार में ऐसी ढेर सारी आत्माएं हैं, हमने इस जन्म में कुछ नहीं किया पर पिछले जन्म में हमने बहुत कुछ किया है, शायद उनका हित किया, उनका अपमान किया, वो इस जन्म में अपमान का बदला लेगी। तो अपमान होगा, घृणा होगी, गिराएंगे, दुख देंगे, चोट पहुंचाएंगे, इंसल्ट करेंगे, सब होगा। अब तुम क्या करो, तलवार निकाल के तुम भी युद्ध करोगे तो नए हिसाब बनाओगे। इसलिए सहलो, सुन लो, मोड़ लो, झुक जाओ और मर जाओ। ये पांच शक्तिशाली टूल्स है, सुन लेना। बड़ी पावर चाहिए खुद की निंदा सुनने की, स्तुति तो सब सुन सकते हैं, निंदा सुनने की पावर, अपमान, इंसल्ट, गाली को क्या करो, बाबा ने कहा गुलाब, ये तो बहुत ही बड़ा काम है। भाषण देने के लिए और बताने के लिए कितना अच्छा है, पर करने के लिए बड़ा कठिन है। पर यही बाप समान बनना है, इसमें दृढ़ता लाओ, टिट फॉर टैट करने के लिए नहीं, जैसे को तैसा नहीं, क्योंकि वो इस समय परवश है। तो दो कैटेगरीज हो गई आत्माओं की, एक वो जो गलतियां कर रही है वो परवश है, उसको रहम दिल, उसको सिखाओ, उसको समझाओ, पहले को अच्छा किया फिर सम्मान दो, सम्मान दो और आगे बढ़ाओ और फिर उसको अपना करेक्शन दो, एक वो कैटेगरी आत्माओं की। और दूसरी कैटेगरी ये अपमान करने वाली, घृणा करने वाली, इंसल्ट करने वाली, गाली देने वाली, गिराने वाली, हिलाने वाली, दुख देने वाली, चोट पहुंचाने वाली। और चोट भी सामने वाला वहां पहुंचाता है जहां तुमको दर्द हो, क्योंकि हमारे जीवन का अध्ययन उन्होंने हमसे अधिक किया है। हमारी जानकारी उनके पास हमसे अधिक है, जितनी अंतर्मुक्ता में हम नहीं गए हैं, जितना अमृत वेला योग हमारा नहीं है। अभी हम 10वीं 12वीं में ही है, वो हम पर पीएचडी कर चुके हैं, उनका थीसिस का टॉपिक हम थे। इसलिए हम ही, हमारी कमियों को वो हमसे ज्यादा जानते, कौन सी बात बोलने से सीधा यहां चोट लगती है। ये वो हमसे अधिक जानते हैं। तो ऐसों को धन्यवाद देंगे कि नहीं, इतना टाइम, समय, संकल्प, अमृत वेला, गहन चिंतन एकांत में, और प्लेट पर रखकर हमें अपनी गलतियां सुना रहे, वहां तक हम पहुंच भी नहीं, हमारा चिंतन भी नहीं पहुंच पाता, इतना उथला उथला चिंतन है हमारा ऊपर ऊपर का। तवा टू माउथ परोस कर दे रहे, तो सहलो, सुन लो, झुक जाओ, क्योंकि अहंकार में आत्मा उड़ रही है, पर लगे हैं अहंकार के कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा योगी हूँ, बहुत अच्छी पवित्र आत्मा हूँ, मेरे जैसा पवित्र तो कोई दिखता ही नहीं है, 2 बजे उठने वाला हूँ, ये नहीं वो खाने वाला हूँ, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, इतनों की सेवा करता हूँ उतनों की सेवा करता हूँ। अर्जुन को एक बार घमंड हो जाता है कि मेरे जैसा कृष्ण भक्त और कौन है, कृष्ण मेरा सखा है, कृष्ण प्रेम से मैं डूब भरा हूँ। कृष्ण और वो दोनों जा रहे हैं, देखते हैं एक ब्राह्मण आत्मा घास खा रही है, सूखी घास वो भी, पर हाथ में इधर तलवार भी लगी हुई है, एक तरफ अहिंसा और दूसरी तरफ हिंसा, ये कैसा दृश्य है। अर्जुन को आश्चर्य लगा, ये तो एक तरफ ब्राह्मण दिखता है परंतु तलवार किस लिए लेके घूम रहा है,
ब्राह्मण और तलवार, ब्राह्मण क्षत्रिय थोड़ी है जो तलवार लेके घूमे और हरी घास भी नहीं सूखी घास खा रहा है। कृष्ण कहता है उससे जाके पूछ लो। अर्जुन उससे जाके पूछता है व्हाट इज द मैटर, ये तलवार किस लिए रखी है। वह कहता है मैं, मेरे चार दुश्मन हैं, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। कहते कौन से दुश्मन? पहला दुश्मन वो नारद, दिन रात गीत गाते रहता है और मेरे प्रभु की नींद को हराम कर रखा है उसने, एक मिनट सोने नहीं देता। जब देखो तब नारायण 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 की रट लगा के रखा है, उसको जरा चिंता नहीं है कि प्रभु के आराम का टाइम है। और जो उनको तो डर ही लगता है। वो ब्राह्मण कहता है अगर मिल जाए तो उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा इससे। दूसरा दुश्मन वो प्रह्लाद, मेरे प्रभु इतने नाजुक इतने कोमल, उस स्तंभ से निकालने को विवश कर दिया। अगर वो मुझे मिल जाए तो उसको छोड़ूंगा नहीं। और तीसरा वो पापिन द्रौपदी, मेरे पिताजी मेरे प्रभु भोजन कर रहे थे उस समय बुलाया, डिस्टर्ब्ड, और वो तो बुलाया अपना झूठा भी खिलाया उसको। अर्जुन तो अब बहुत ही डरा हुआ है। चौथा दुश्मन कौन है? वो कहता है अगर वो मुझे मिल जाए तो उसको तो मैं बिल्कुल ही नहीं छोड़ूंगा, मेरे भगवान को अपने रथ का सारथी बताता है। इतनी हिम्मत उसकी उस अर्जुन की। प्रेम की ऐसी गुह्यता देखकर अर्जुन नतमस्तक हो जाता है, कितना अगाध प्रेम है। तीन मित्र खो गए जंगल में, शेर की आवाज सुनते हैं। पहला कहता है अब तो गए हम मरे, दूसरा कहता है नहीं आओ मिलके प्रभु को याद करें, तीसरा कहता है छोटी सी बात के लिए प्रभु को क्यों याद करना है, लेट अस क्लाइम द ट्री, झाड़ पर चढ़ जाते। हम कौन है? वो जो नास्तिक है पहला, हम तो गए, उसे पता ही नहीं कि परमात्मा भी इस संसार में है। दूसरा वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भगवान के पास जाते हैं, मदद कर दो सहारा दे दो ये कर दो। और तीसरे वो जो ज्ञानी है, अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझाते हैं और उन्हें पता है वो परमात्मा है साथ, पर करना काम तो हमें है। तो ये अहंकार बहुत सूक्ष्म है, इसलिए ये सारी व्यवस्था की गई है ड्रामा में तुम्हारे इस अहंकार के पर काटने के लिए। अपमान निंदा ग्लानी चोट दुख गाली इंसल्ट ये सब होगा। दृढ़ता किस में? सहने में, सुनने में, झुकने में, मोड़ने में, मर जाने में। मर जीवा जन्म है, इसमें दृढ़ता लाओ। दिस इज द फोर्थ कॉर्नर। कोई भी चीज़ मजबूत कब होती है? जब उसके चारों कोने मजबूत हो, और बाकी तीन उमंग, बिना उमंग के भी काम नहीं। उमंग उत्साह कम हो जाए तो वापस तीव्र पुरुषार्थियों के संगठन में चले जाओ, महान आत्माओं के संग में चले जाओ, मधुबन आ जाओ, एकांत में प्रकृति में चले जाओ। कोई एक अव्यक्त मुरली उठाओ और एकाग्रता से उस मुरली का अध्ययन करो, जैसे एक एक शब्द मेरे लिए है। एक वाक्य पढ़ो रुको, दूसरा वाक्य पढ़ो रुको, सोचो क्या है क्या है क्या है। अमृत है, संजीवनी बूटी है, उमंग भर जाएगा, वो कॉन्फिडेंस लौट आएगा। कोई क्लास ही सुन लो, दादियों की ढेर सारी क्लासेस हैं, दादियों की उन आवाज़ों में उनकी पवित्रता बोल रही है, उनका त्याग उनकी तपस्या उसमें समाई हुई है। वो सुनते सुनते उस आत्मा से एक रूप आप हो रहे हो।
एक व्यक्ति का देवाला निकल गया, बहुत बड़ा बिजनेस था, कुछ भी नहीं बचा। उदास हो गया, दुखी हो गया, सोचा मर जाऊं। समुद्र तट पर बैठा हुआ उदास बैठा था, सोच ही रहा था अब क्या करूं। अचानक एक व्यक्ति आता है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और पूछता है क्या हुआ कैसे, और वो उसको एक चेक दे देता है $50,000। वो कहता है एक साल के बाद तुम मुझे वापस कर देना ये सारे पैसे, पर अभी तुम दोबारा अपना बिजनेस चालू करो। वो व्यक्ति चला जाता है, ये नाम देखता है जॉन रॉकफेलर, अमेरिका का सबसे बड़ा रिचेस्ट मैन ऑफ अमेरिका। उसके अंदर उत्साह जागता है फिर से, वो कहता है अब ये चेक मेरे पास है। वो चेक को रखता है, फिर से अपना बिजनेस चालू करता है, परंतु सोचता है कि इस चेक को लेट मी कीप इट अनकैश्ड, इसको मैं कैश नहीं करूँगा, मेरे पास तो है ना, कभी भी पैसे निकाल सकता हूँ। फिर से दोबारा से चालू करता है सब कुछ, और धीरे 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 प्रयत्न करते 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 फिर से अपना एम्पायर एस्टैब्लिश कर देता है बड़ा, अपना सारा बिजनेस। और बराबर एक साल के बाद वही उसी जगह पर आता है, और उसी जगह पर वो व्यक्ति भी आ जाता है, और एक वर्ष तक इसने इस चेक को यूज ही नहीं किया। वो व्यक्ति आता है, इसे बहुत खुशी होती है, पर उस व्यक्ति के पीछे एक नर्स भी आती है भागकर, और उस व्यक्ति को पकड़ कर ले जाती है। इसे तो आश्चर्य होता है ये क्या हो रहा है। वो नर्स कहती है यहाँ मेंटल हॉस्पिटल जो है उसका ये पेशेंट है, और इसे बीमारी ये है कि अपने आप को जॉन रॉकफेलर समझता है, अपने नाम के चेक बना के रखे है, वो भी झूठे, और सबको देते फिरता है। वो नर्स उसको पकड़ कर ले जाती है। अब ये सोचने लगता है कि मैंने ये सब जो किया ये क्यों किया, ये चेक की वजह से नहीं केवल, क्योंकि इससे मुझ में क्या हो गया, एक उत्साह सेल्फ कॉन्फिडेंस जागृत हो गया। और एक दूसरी भी बात, एक भरोसा था कि चेक है जेब में है, जब चाहे तब निकाल लूं पैसे। एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं, 84,000 का भी चेक हमें सुबह सुबह मिलता है, हम उसका क्या करते हैं। तो पहला कोना मंग, संकल्प और लक्ष्य, लक्ष्य चाहिए, और लक्ष्य कोई वो नहीं बाप समान, छोटे छोटे टारगेट्स, आज क्या करना है, सुबह क्या करना है, कल का लक्ष्य, कल अमृत वेला क्या करना है, उसके बाद क्या करना है मुरली, फिर उसके बीच के टाइम में क्या करना है, बाद में क्या करना है। सारे दिन की एक, बाबा ने कहा है कितनी मुरलियाँ चली है, इस पर प्लानिंग बनाओ अमृत वेले के बाद, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक रफ प्लानिंग चाहिए कि आज ये करना है, अपने लौकिक वर्क में, घर का, गृहस्थी सेंटर या जो भी है सारे इसमें, और ये करते हुए भी और एक नई चीज़, नया क्या सीखूँ मैं, कोई नई भाषा सीखो, कोई नई स्किल सीखो, कोई नया, कोई नई आर्ट, ये चित्र बनाने की आर्ट सीख लो, पेंटिंग ड्राइंग, नई नई स्किल्स डेवलप करते रहनी है अपने अंदर। वो जो दिनचर्या है वो तो है एक, दूसरा जो ड्यूटी है, जो सेवा है वो है, मुरलिया है अव्यक्त साकार, उसके अलावा डेवलप न्यू स्किल्स, कोई कोर्स करो, कोई ऑनलाइन कोर्स, यज्ञ के भी ढेर सारे कोर्सेस हैं। जिससे उमंग उत्साह बना रहे, तो उत्साह, संकल्प, लक्ष्य, और चौथा उसमें दृढ़ता। और दृढ़ता कैसे आएगी, इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करने से, और दृढ़ता कैसे आएगी, प्रैक्टिस से, और दृढ़ता कैसे आएगी, दूसरी आत्माएं उन्होंने कैसे दृढ़ता से वो आगे बढ़ी, उनको स्टडी करने से, दूसरों को देखो, दूसरों को जीवन को स्टडी करो।
इतिहास के या वर्तमान के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दृढ़ता आएगी अध्ययन से, दृढ़ता आएगी संकल्प से, विचार से, चिंतन से, दृढ़ता आएगी उसके इम्पोर्टेंस को समझने से। ये जो मुझे करना है, कोई कहता है अमृत वेला होता ही नहीं है, रेगुलर ही नहीं है, क्या करे अब तक भी, क्योंकि उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझा है। इधर किताब है वो हरे कलर की, अमृत वेला, पता है ना यज्ञ की, उसको फिर से खरीदो और फिर से पढ़ो, कई बार पढ़ो जब तक वो याद ना हो जाए। सुबह पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, रात को पढ़ो। एक कॉपी घर में, एक ऑफिस में, एक कहीं और अपना वो पिलो के नीचे। उठते ही सबसे पहले वो बुक निकालो और अमृत वेले के बारे में क्या लिखा है वो पढ़ो। न्यू न्यू टेक्निक्स है उसमें, क्योंकि अमृत वेला आधार है। अमृत वेला ठीक तो दिन ठीक, अमृत वेला ही नींद गड़बड़, ऊपर नीचे, अप डाउन, तो सारा दिन अप डाउन। अमृत वेला ही व्यर्थ तो दिन व्यर्थ। अमृत वेला का टाइम आधा घंटा बस, पौन घंटा बस, बस ये पौन घंटे में पूरा दिन चलाने वाले हो। उसका टाइम लिमिट बढ़ाओ, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी को बढ़ाओ तो होगा काम, नहीं तो नहीं। तो ये चारों ही बातें, ना बातें बदलेगी ना सेंटर बदलेगा, अर्थात स्नान स्थान। तीसरा, ना आत्माएं बदलेगी, हमें बदलना है। बदला नहीं लेंगे, बदल के दिखाएंगे। किसको? खुद को, उसको नहीं। न स्थान बदलेगा, न बातें बदलेगी, न परिस्थिति बदलेगी, न सेंटर बदलेगा, न आत्माएं बदलेगी, न सीनियर, न जूनियर, न साथी, न स्टूडेंट्स। तुम्हें बदलना है। कितनी अच्छी बात बताई। और इसके साथ एक दूसरा भी जोड़ दो, बातें बदल जाए, स्थान बदल जाए, आत्माएं बदल जाए, हम बाप के प्यार में और हम श्रीमत में और मर्यादाओं में नहीं बदलेंगे, अटल अचल अडोल रहेंगे। तो ये तीन चीजें हैं, ये बदलने की, बदलाने की एप्लीकेशन, अर्जी बाप के पास मत डालना। बाबा इसकी ट्रांसफर क्यों नहीं कराते? स्थान बदल दो, यहां एक रावण है तो वहां 10 तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये फिर भी चित परिचित रावण है, 10 साल से इसको जान रहे हो, सब समझ लिया है उसके स्वभाव को। और 24 घंटे रावण नहीं है वो, थोड़े थोड़े समय रूप भी अच्छा आता है उसका, अच्छा रूप भी है थोड़ा थोड़ा, इसको अच्छे से जान लिया 30 साल से, 20 साल से, 5 साल से, 10 साल से। पर जो नए रावण की कल्पना कर रहे हो कि ये जगह बदल दो, ये सेंटर बदल दो, ये डिपार्टमेंट बदल दो, ये स्थान बदल दो, वहां जो नया रावण है, नवीनतम रावण, अभिनव रावण, नूतन रावण, उसके स्वभाव को ना तुम जानते हो ना परिचित हो, तो कौन सा रावण चाहिए, 1 या 10? ये ठीक है, चित परिचित है, कंफर्टेबल है, 10 साल से दुख तो झेल ही रहे, अब आदत भी पड़ गई है झेलते हुए भी खुश रहने की। पर जो नया है वह मुश्किल है। न स्थान बदलेगा, इसलिए बाबा के सामने ये अर्जी नहीं डालो कि मेरा स्थान बदल दो। इसी स्थान, सबसे बेस्ट प्लेस कौन सी है? दिस प्लेस। सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? नाउ। सबसे बेस्ट पर्सन कौन से? ये जो तुम जिसके बीच में हो। सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है इस दुनिया का? जिसमें मैं हूं।
सबसे बेस्ट सेंटर कौन सा है? जिसमें अभी वर्तमान में मैं हूँ। सबसे बेस्ट इंचार्ज कौन है? वही जो अब है। सबसे बेस्ट साथी कौन है? वो जो अब है। सबसे बेस्ट जूनियर्स कौन है? वो जो अब है। स्टूडेंट्स कौन है सबसे बेस्ट? वही। सबसे बेस्ट निंदा करने वाले कौन है? यही। कोई दूसरा निंदा करने वाला पता नहीं, इसकी निंदा की तो आदत पड़ गई है, फिर भी उसकी पता नहीं कौन सी नई थियरी होगी। इसलिए दिस इज ओके। तो अपनी स्मृति पर काम करना है। ये सब अर्जियां नहीं डालते रहना, इसको बदलो, उसको बदलो, उसको बदलो, ये नहीं बदलेंगे। किसको बदलना है? आई। अपनी स्मृति को बदल दो, सब बदल जाता है। जैसे मंदोदरी राम रावण से कहती है, तुमको सीता ही चाहिए ना, सीता को अपनी पत्नी बनाना चाहते हो ना, तो जाओ ना सीता के पास, राम का वेश धारण करो और जाओ। सीता है उधर वाटिका में, रावण राम का रूप धारण कर लो और चले जाओ। वो कहता है, आई हैव ऑलरेडी ट्राइड दिस ऑप्शन, ये मैं ट्राई कर चुका हूँ, परंतु जैसे ही मैंने राम का रूप धारण करा, ऐसे महान महान विचार आने लगे एकदम। फिर तो सीता तो माता समान दिखने लगी, विश्व कल्याण के विचार आने लगे, क्योंकि मैं राम होते ही स्मृति ही श्रेष्ठ हो गई तो सब कुछ बदल गया। इसलिए ऑप्शन कैंसल। तो दृढ़ता इस बात में भी, पहली तो वो सारी जो बातें बताई उसमें, दूसरा इस बात में, ये बदलने का नहीं, मुझे बदलना है, अपने को बदलने की दृढ़ता, ये दूसरे प्रकार की दृढ़ता। तीसरा, दूसरों को क्या करो? सम्मान। सम्मान तो है ही, उसके साथ क्या? सम्मान। मांगो नहीं, और मांगने से कोई देता भी है क्या? किसको कहो कि तुम मेरा सम्मान करो, सम्मान करो, उसको पता चलता था ये इसकी कमजोरी है, और चोट कहाँ करेंगे अगली बार? वहीं पर। क्योंकि दुख कहाँ होता है? जहाँ इच्छा है सम्मान की और वहाँ अपमान मिल जाए, तो यहाँ दुख होगा। तो ये इसमें दृढ़ता लाओ, ये तीसरे प्रकार की दृढ़ता, सम्मान देने में। लेना नहीं है हमको, देते रहो, उसको सम्मान चाहिए देते रहो, सम्मान से खुश हो जाते हैं, दे दो। और सम्मान में ऐसा कौन सा कोई इंग्रेडिएंट है नहीं, कोई न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट जिससे शक्ति आए, कुछ नहीं होता है सम्मान से। सम्मान मिलने से तो और ही ज़्यादा आत्मा बाह्यमुखी हो जाती है। अपमान में फायदा क्या है? स्वमुखी, अंतर्मुखी, सत्यमुखी, अंतर्मुखी, आत्ममुखी, ये फायदा है। तो इसमें दृढ़ता। उसके बाद में नेक्स्ट, दूसरों को आगे बढ़ाने में दृढ़ता, वो जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सच्चा प्यार और हिम्मत। इस संसार में कौन सा प्यार है? स्वार्थ और मतलब का प्यार। हाँ, है कहाँ इस दुनिया में? है क्या? सब झूठे हैं। सच्चा प्यार तो यहाँ है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं है। शुद्धतम प्रेम एक उस प्रभु से ही हो सकता है और किसी से नहीं। यहाँ प्यार स्वार्थ के आधार पर है और शरीर के आधार पर है, और प्रेम निस्वार्थ है और प्रेम अशरीरी है। लव हैज नथिंग टू डू विद बॉडी। प्रेम का शरीर से कोई संबंध नहीं है। एक सोल्जर फोन करता है अपने घर, वियतनाम का युद्ध पूरा हुआ है, अमेरिका का शोल्डर है, घर अपने माँ बाप को फोन करता है, अपने पिता को, कि युद्ध में मेरा एक दोस्त है, मेरा साथी सोल्जर, वो भी घायल हुआ है, उसका एक हाथ टूट गया, एक पैर टूट गया है, और उसका कोई है नहीं, तो क्या मैं उसे अपने पास घर लेके आ जाऊं? अपने घर में उसको रखेंगे?
पिताजी कहते हैं नहीं 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 ऐसा मत करना, तुम आ जाओ, उसको मत लाओ, हम कहाँ से उसको देखभाल करेंगे, उसकी जगह कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। पिताजी सुनाते जाते और सुनाते सुनाते ही वो फोन उधर से रख देता है। उसके बाद में कई महीनों तक वो नहीं आता है और बाद में फिर एक दिन पता चलता है उस बेटे ने खुदकुशी कर ली है। तब ये माँ बाप उसको मिलने वहाँ जाते हैं, उसकी डेड बॉडी देखते हैं तो उसमें एक हाथ नहीं है और पैर नहीं है, वो खुद ही था। वो पर उसने नाम अपने दोस्त का लिया था, वो जस्ट देखना चाहता था कि मैं इस हालत में जाने के बाद ये लोग क्या करते हैं। उन माँ बाप पर जो बीती सो बीती, पर कहने का भाव इस संसार में जो प्यार है कैसा है, स्वार्थ से परिपूर्ण है, झूठा है, ऊपर ऊपर का है, केवल मैं मेरा तक का है, मैं मेरा मेरा परिवार, मेरे पति, मेरे बच्चे, बस यहाँ तक है, इससे ऊपर नहीं है। वो तो बाबा ने कहा संसार में आत्माओं को क्या चाहिए, सच्चा प्यार और हिम्मत, ये दो बातें चाहिए। तो ये एक पॉइंट थी मुरली में। और कोई पॉइंट किसमें? क्रोध। तो बाबा ने कहा क्रोध के भी अलग अलग रूप है, पर उल्टी दृढ़ता नहीं चाहिए। कौन सी उल्टी दृढ़ता? कि मैं क्रोध करके रहूंगा, ये मेरा निश्चय है, ये वाली दृढ़ता नहीं। दूसरों को हरा के रहूंगा, दूसरों को दिखा दूंगा मैं कौन हूं, ये भी दृढ़ता है। तो दृढ़ता दो प्रकार हो गई, एक सकारात्मक दृढ़ता, एक निगेटिव वाली दृढ़ता, एक उल्टी दृढ़ता, रिवर्स दृढ़ता। एक व्यक्ति का हाथ कट गया मशीन में काम करते करते, बहुत बुरी तरह से कट गया, हॉस्पिटल एडमिट हुआ, पर बड़ी मुश्किल से डॉक्टरों ने उस हाथ को बचाया, पर अब कुछ काम करने के वो लायक नहीं था। तो डॉक्टर ऑपरेशन के बाद, वो सब होने के बाद रिहाब बातें कर रहे थे और वो पेशेंट लेटा हुआ था। डॉक्टर कहते अच्छा हुआ कम से कम राइट हैंड तो नहीं गया, लेफ्ट ही गया, राइट हैंड तो ठीक है। तो वो बात सुन के कहता है हाँ गया तो मेरा राइट ही था, पर मैंने तुरंत खींच के लेफ्ट डाल दिया क्योंकि राइट तो बचाना था ना। तो बाबा ने क्या कहा, उल्टा दृढ़ता नहीं चाहिए, कैसे कैसे दृढ़ संकल्प वाली आत्माओं को, दृढ़ता को अपनाने वाली आत्माओं को, दृढ़ता को यूज करने वाली आत्माओं को, ऐसी विशेष आत्माओं को, दिव्य नेत्र वाली आत्माओं को, दिव्य बुद्धि वाली आत्माओं को, त्रिनेत्री आत्माओं को, त्रिकालदर्शी आत्माओं को, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, विश्व परिवर्तक आत्माओं को, और कौन सी लकीरें मर्ज और कौन सी लकीरें इमर्ज रखने वाली आत्माओं को, श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें इमर्ज रखने वाली आत्माओं को, और पुराने संस्कार को मर्ज करने वाली आत्माओं को, ऐसे 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 समान में रहने वाली, सम्मान देने वाली आत्माओं को, ऐसे हिम्मत देने वाली आत्माओं को, ऐसे सच्चा प्यार देने वाली आत्माओं को, ऐसे मैं बाबा का बाबा मेरा, इस नशे में रहने वाली आत्माओं को, हमने देखा हमने पाया ऐसी माताएं, बूढ़ी माताएं, बीमार माताएं, एक टांगे नहीं चलती फिर भी पहुंचने वाली माताएं, 90 साल की माताएं, बोला ना, ना पांडवों में कमी ना शक्तियों में कमी, ऐसी आत्माओं को, ऐसे ऐसे डरने वाले नहीं, झुकने वाले, सहन करने वाले, सुनने वाले, मुड़ने वाले, मरने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे इंसल्ट
हो, चोट हो, दुख हो, अपमान हो, ग्लानि हो, गाली हो, सबको परिवर्तन, विश्व परिवर्तन में कन्वर्ट करने वाली आत्मा को, ऐसे बाप के मददगार आत्माओं को, ऐसे 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 आत्माओं की पुकार सुनने वाली आत्माओं को, बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माओं को, 6 मास का पेंडिंग होमवर्क करने वाली आत्माओं को, बाप समान बनना ही है ये दृढ़ संकल्प करने वाली आत्माओं को, ऐसे 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 कॉपी करने वाली आत्माओं को, फोटोकॉपी, ऐसे किसको बुलाओ, ग्लानि को, गुलाब बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे चित्र को ना देख, चरित्र को, चित्र को भी देखो, चरित्र को ना भूलने वाली आत्माओं को, तो मायाजीत बनने वाली आत्माओं को, माया के भिन्न भिन्न रूपों को पहले ही जानने वाली आत्माओं को, साइलेंस के साधनों को यूज करने वाली आत्माओं को, ऐसे माया की खातरी न करने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे ड्रामा की ये जो भिन्न भिन्न छोटे छोटे खेल है उनको देख आश्चर्य की मात्रा न उठाने वाली आत्माओं को, ऐसे हिम्मत और सच्चा स्नेह, ऐसे सुख देवा, शांति देवा, ये सब आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। शांति।